न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने तीन विकल्प हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आज न्यूज चक्र में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की गर्मा गर्म सियासत की, जिसमें धर्म का तड़का है, राजनीति का तड़का है और प्रचार का तड़का है। और उसी प्रचार के तड़के में आपके सामने वो खबर दोस्तों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मगर मैं न्यूज चक्र में आपके सामने असली खबर लाया हूं। और असली खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। असली खबर यह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को आने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए सीट चुनना मुश्किल पड़ रहा है। यानी कि उनका प्रचार तंत्र और उनका जो पूरा अमला, उनके तमाम समर्थक यह फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चुनाव कहां से लड़े, क्योंकि हार का डर सता रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उनकी अपनी पार्टी के विधायक, अपने पार्टी के नेता और एक बहुत बड़ा तबका, जिसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हैं, वो उन्हें हराना चाहते हैं। और इसलिए तीन खबरें आपके सामने और तीन सवाल आपके स्क्रीन पर। सवाल नंबर एक, क्या उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ को चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं मिल रही? सवाल नंबर दो, क्या उनकी अपनी पार्टी के नेता उन्हें चुनाव हराना चाहते हैं? और तीसरा सवाल दोस्तों, और ये बहुत अहम सवाल है, क्या मोदी और अमित शाह नहीं चाहते कि आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी अपने दम पर 200 सीटें, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है, उसे पार करे? इस तीसरे पहलू पर दोस्तों मैं आगे जाके चर्चा करूंगा और बहुत अहम चर्चा है उस पर। मगर सबसे पहले आपके सामने वो तीन सीटें मैं पेश करना चाहूंगा जिस पर इस वक्त विचार चल रहा है। पहली सीट अयोध्या शहर, दूसरी सीट मथुरा और तीसरी सीट बनारस में से एक कोई सीट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अयोध्या शहर सीट की, जहां से आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। वहां से मौजूदा विधायक हैं आपके स्क्रीन पर वेद प्रकाश गुप्ता। वेद प्रकाश गुप्ता ने पिछली बार समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे को हराया था और 2016 से पहले, यानी कि 2011 और 12 को तेज नारायण पांडे यहां से विधायक थे। यानी कि अयोध्या शहर समाजवादी पार्टी का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है और वो इस बात से प्रमाणित होता है दोस्तों कि अगर आप फैजाबाद लोकसभा सीट, जो अब अयोध्या लोकसभा सीट है, उस पर निगाह डालें तो उसमें पांच विधानसभा सीटें आती हैं। कौन कौन सी? दरियाबाद, रुदौली, मिकीपुर, बिकापुर और अयोध्या। इन पांचों सीटों पर आप निगाह डालें तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी दूसरे नंबर पर है और वो है समाजवादी पार्टी। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर और अवध इलाके में अखिलेश यादव को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। आपको याद होगा उनका वो रोड शो, और वो जहां जहां जा रहे हैं उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। और इसी बौखलाहट के चलते भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अहम कदम उठाए थे। कौन से अहम कदम? सबसे बड़ा अहम कदम उन्होंने उठाया था कि तीन कृषि कानून वापस ले लिए थे। और इसे आप समझना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि देखिए, हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झटका लग सकता है, मगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्म का तड़का डाल के 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाकर किसी ना किसी तरह से बाजी अपने पक्ष में कर लेंगे। मगर उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि पूर्वांचल में या फिर अवध इलाके में अखिलेश यादव उनके लिए इतनी बड़ा सिरदर्द बन के साबित होंगे। इसलिए अयोध्या शहर से चुनाव लड़ना एक बहुत बड़े सिरदर्द का सबब साबित हो रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, आज तक न्यूज चैनल में अयोध्या में एक कार्यक्रम हो रहा था। उनकी एंकर मंच पर मौजूद साधुओं से असली सवाल पूछने के बजाय साधुओं के मुंह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तारीफ करवाना चाहते थे। और आप जानते हैं साधु ने क्या कहा था? साधु ने कहा था कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चाहें तो गोरखपुर से चुनाव लड़ें, अयोध्या से अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जरूरी नहीं कि वो जीतेंगे,
क्योंकि उन्होंने हमें कई वादे किए थे जो उन्होंने पूरे नहीं किए, इसलिए बेहतर है कि वो गोरखपुर का रुख करें, यानी कि अयोध्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए सेफ सीट नहीं है। इसके बाद आती हैं दो सीटें दोस्तों, मथुरा और बनारस। और हां, गोरखपुर को हम नहीं भूलें, गोरखपुर की चर्चा हम बाद में करेंगे, मथुरा की बात करते हैं। मथुरा में भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकें इसके लिए जमीन तैयार की जा रही है, मगर अगर वो मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री श्रीकांत शर्मा की बलि देनी पड़ेगी, जो कि अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं, मगर हां योगी आदित्यनाथ के सामने उन्हें वो बलि स्वीकार करनी पड़ेगी। और मथुरा के लिए एक अरसे से जमीन तैयार की जा रही है। अब जब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जमीन तैयार की जा रही है, तो इसे आपको समझना पड़ेगा। आपको याद होगा कि नारायणी सेना नाम के एक हिंदुत्ववादी संगठन ने धमकी दी थी कि 6 दिसंबर को हम शाही ईदगाह में भगवान कृष्ण की मूर्तियां स्थापित करेंगे। यही नहीं, पार्टी के एक मंत्री ने कहा था कि भगवान की मूर्तियां मथुरा में नहीं लगेंगी तो क्या लाहौर में लगेंगी। खुद आपके स्क्रीन पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी तेवर अपने उग्र किए थे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नजरों में खुद को ऊंचा उठाया था, और क्या कहा था उन्होंने कि अयोध्या और काशी के बाद अब बारी है मथुरा की, यानी कि मथुरा के अंदर तनाव पैदा करना। और 6 दिसंबर को ये लोग कामयाब भी हुए थे। जब पूरे शहर पर कर्फ्यू लगा दिया गया था, खासकर उस इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी, हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा किया गया था। क्यों? उसकी वजह साफ थी, जमीन तैयार की जाए ताकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहां से चुनाव लड़ सकें। और जमीन कैराना से ही तैयार की जा रही थी। आपको याद होगा कैराना में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सभा थी और वहां पर वो मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला रहे थे। यही नहीं, सहारनपुर में उनकी सभा थी, शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास, एक विश्वविद्यालय के शिलान्यास में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला रहे थे। क्यों? ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जाटों और मुसलमानों में जो एकता स्थापित हुई है उसे तोड़ना, एक बार फिर प्रदेश को उस तनाव की तरफ ले जाना जो 2013 में मौजूद था, जिसके चलते हिंदू और मुसलमान दो फाड़ हो गया था। यही वजह है कि मथुरा या ये कहा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तनाव पैदा किया जा रहा है। मगर आप जानते हैं मथुरा में इनका काम किसने खराब किया है? इनका काम खराब किया है किसानों ने। एक बार फिर फिजाओं में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे एक साथ गूंज रहे हैं, जो कि चौधरी चरण सिंह के दौरान गूंजा करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब यही है। वो मथुरा से चुनाव तो लड़ सकते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि उनके सांप्रदायिक नारे काम आए, इसलिए मथुरा भी इनके लिए मुश्किल सीट है। अब बारी आती है दोस्तों बनारस की और उसके बाद गोरखपुर की। बनारस में जैसे कि आप जानते हैं आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है, मगर इस उद्घाटन में पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। तमाम विज्ञापन देखिए आपके स्क्रीन पर एक एक करके आ रहे हैं तमाम अखबारों में। इन विज्ञापनों में योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि काशी विश्वनाथ में भी बोलबाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का भी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर वो काशी से बनारस से चुनाव लड़ते भी हैं तो जरूरी नहीं कि वो भी सेफ सीट होगी। उनके लिए सेफ सीट हो सकती है गोरखपुर, मगर गोरखपुर में भी पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री का कद जो है कम हुआ है। कैसे? सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था उस सीट पर जहां पर मठ का कब्जा रहा है। यह बात अलग है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो फिर जीत गए थे, मगर उस वक्त पुलवामा की लहर थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी। मगर गोरखपुर में नाराजगी किसी और चीज को लेकर भी है। गोरखपुर में जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थी ना, तो वो लोगों से बहुत आसानी से मिला करते थे, सहज अंदाज में मिला करते थे। लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ में या योगी आदित्यनाथ में, क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे,
एक सौम्यता है, एक सहजता है, लोगों से मिलते हैं, मगर पिछले 5 सालों में उनमें अहंकार का भाव सामने उभर कर आया है और लोग इस बात को लेकर नाराज हैं। इसलिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को कहीं पर भी सीट ढूंढना मुश्किल साबित हो रहा है। मगर आप कह सकते हैं इसकी वजह क्या है? उसकी वजह के लिए आपको मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के कुछ नौकरशाहों पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज की तारीख में उनकी छवि बिगड़ी है और अगर उनकी छवि के साथ अहंकार शब्द जोड़ा जा रहा है तो इसमें कुछ नौकरशाहों का किरदार है। आप यह तस्वीर देखिए दोस्तों, चलिए पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। यह आदमी जो तस्वीर खींच रहा है कौन है? अब आप कहेंगे कि कोई पार्टी का नेता हो सकता है। नहीं साहब, इनका नाम है नवनीत सहगल। ये भाजपा सरकार में, उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार में एक नौकरशाह हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ये 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने मायावती के साथ भी काम किया है और अखिलेश यादव के साथ भी काम किया है। इन दोनों सरकारों में इनकी कार्यकुशलता को देकर ये आज की तारीख में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ हैं। मगर हाथरस की घटना में जिस तरह की ज्यादती वहां की पुलिस, वहां के प्रशासन में किया, उसके पीछे नवनीत सहगल का दिमाग माना जाता है। बताया जाता है कि नवनीत सहगल के दिशा निर्देशों के तहत लगातार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की छवि जो है वो बद से बदतर होती गई। तो नवनीत सहगल हो गए। अब आपके स्क्रीन पर अवनीश अवस्थी। अवनीश अवस्थी के बारे में कहा जाता है कि सही मायने में राज्य के मिनी सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के तमाम बड़े फैसलों के पीछे इस आदमी का दिमाग चलता है। कैसे? आपके सामने मैं 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। सीएए के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने बर्बरता का परिचय किया और बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई थी, आपको याद होगा करीब 30 लोग मारे गए थे गोलीकांड में। उस तरह की हिंसा, उस तरह की आक्रामकता के पीछे इस शख्स अवनीश अवस्थी का हाथ है। वो अवनीश अवस्थी जो मैं आपको बतलाना चाहूंगा, 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। न सिर्फ सीएए के खिलाफ आंदोलन में जिस तरह के बर्बर परिचय का रवैया उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिया, बल्कि हाथरस के अंदर जिस तरह से 20 साल की उस लड़की का रातों रात शव जला दिया गया, वो लड़की जिसके साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी, उस घटनाक्रम में पूरा दिमाग इस आदमी का चला है, अवनीश अवस्थी का। उस दौरान आपको याद होगा सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार किया गया था आतंकवाद की धाराओं में, वो पत्रकार जो रिपोर्टिंग के लिए हाथरस जा रहा था। और फिर ये शख्स सूर्य प्रताप सिंह, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, इनके खिलाफ करीब 7 FIR दर्ज की गई हैं। इसके पीछे भी अवनीश अवस्थी का दिमाग माना जाता है। फिर से इन 2 चेहरों को देखिए, अवनीश अवस्थी और नवनीत सहगल। ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सही मायने में ताकत। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जो अहंकारी एक चेहरा बना हुआ है, एक जो छवि बनी हुई है, उसमें अपना उनका किरदार तो है ही, मगर इन 2 ब्यूरोक्रेट्स का भी अहम किरदार माना जाता है। और तीसरा ब्यूरोक्रेट जो है वो है शशि प्रकाश गोयल। शशि प्रकाश गोयल वो आदमी है दोस्तों जो कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में बैठते हैं और जितनी भी फाइलें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तरफ जाती हैं शशि प्रकाश गोयल से होकर जाती हैं। यानी कि ये 3 चेहरे, शशि प्रकाश गोयल, अवनीश अवस्थी और नवनीत सहगल, ये सही मायनों में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की ताकत हैं। और जनता में जो छवि जा रही अहंकारी होने की, उसमें इन 3 चेहरों का भी एक अहम योगदान रहा है। अब बात करते हैं इन 2 चेहरों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा था कि क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि आदित्यनाथ जो है 200 का आंकड़ा पार ना करें? हो सकता है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। सूत्रों की माने और खासकर जो लोग प्रधानमंत्री और अमित शाह के आसपास और उनकी राजनीति पर नजर रखते हैं, तो कहा यह जा रहा है कि ये चाहते हैं कि हम लोग 180 से 190 सीटों के आसपास रुक जाएं, ताकि दूसरे दलों में तोड़फोड़ की जाए अतिरिक्त सीटों के लिए। मगर जैसे आप 200 से पीछे रुकते हैं
तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की दावेदारी मुख्यमंत्री पद के लिए खत्म हो जाती है 2022 के लिए। तब क्या होगा, केशव प्रसाद मौर्य आ जाएंगे, वो कहेंगे देखिए ये अपने दम पर सीटें नहीं ला पाए, और जो तमाम विधायक उनके खिलाफ रहे हैं वो बगावत का झंडा बुलंद करेंगे, और फिर आदित्यनाथ को वापस मठ यानी कि गोरखपुर भेजे जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। आपको यह नहीं भूलना चाहिए, आज से 2-3 साल पहले की बात है, उस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायकों ने धरना दिया था, करीब 200 विधायकों ने धरना दिया था, जिनमें से 170 विधायक बीजेपी के थे। क्या आपको यह खबर कहीं पता चली? कहीं नहीं, मगर इस खबर को मुख्य धारा की मीडिया ने पूरी तरह से दबा दिया। इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ 5 विधायक भी नहीं हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा भी नहीं बना रही है। बताइए ना, क्या कहीं पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ही चुनावों में पार्टी का चेहरा है? क्योंकि जैसे ही वो कहेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो नाराज हो जाएंगे, पार्टी के करीब 150 से 170 विधायक जो हैं वो नाराज हो जाएंगे, और इनमें से कोई नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। अमित शाह क्यों उनका विरोध करते हैं? क्योंकि अगर 200-250 सीटों के साथ आदित्यनाथ ये चुनाव जीत जाते हैं तो 2024 के लिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। 2024 न सही, कम से कम 2029 में तो हो ही जाएंगे, और ऐसे में अमित शाह का पत्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। सियासत बहुत पेचीदा है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त सिर्फ उटबल चल रही है, जबरदस्त मतभेद है, मगर मुख्यधारा मीडिया की पूरी कोशिश है, भाजपा के प्रचार तंत्र की पूरी कोशिश है कि उन खबरों को दबा दिया जाए। मगर न्यूज चक्र का क्या फलसफा है कि जिन खबरों को ताकतवर लोग दबाते हैं उन्हीं खबरों को हम आपके सामने लाते हैं। नमस्कार।